हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग विच इज़ मीनू कन्याल्स ब्लॉग। मीनू कन्याल के ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने घर का सारा वाला काम कर लिया है, उठ के सब कुछ कर लिया है, डन हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ आज। पहले मैं सोचा था बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, फिर मैंने सोचा अभी मार्केट जाना है, कुछ तो नई चीज़ लेके आने वाले हैं हम मार्केट से, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेता हूँ। तो यार घर का सारा काम तो कर लिया, मैं भूल गया एक्चुअली। मैंने सोचा था स्टार्टिंग से ब्लॉग बनाऊंगा बट मैं भूल गया। तो चलो ठीक है, अभी घर का सारा काम हो चुका है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर लिया, सब लोग हैं, मम्मी पापा पापा मम्मी को लेके डॉक्टर के पास गए हुए अभी। जब मैं रेडी वेडी हो जाता हूँ, अभी हम लोग सोचा मार्केट के लिए जाएँ, मतलब मम्मी पापा लोग आ जाएंगे फिर हम लोग मार्केट के लिए जाएंगे। तो हम लोग जाएंगे मार्केट और वहाँ से जो चीज़ लेके आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग क्या लेने जा रहे हैं आज। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपना आधार कार्ड निकलवाने, और साथ में अपना पैन कार्ड भी निकलवाना है मुझे, क्योंकि मेरा दिल्ली में पर्स चोरी हो गया था, मतलब मेरे पैन कार्ड आधार कार्ड सब खो गया उसमें से। तो अभी मेरे को वो निकलवाना है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं मार्केट। तो यहाँ हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, हम आगे हैं मार्केट और हमने शॉपिंग कर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आधार कार्ड वाला पैन कार्ड वाला काम तो मेरा हुआ नहीं है, क्योंकि उन भैया की शॉप बंद थी, तो इस वजह से हम नहीं लिया, मतलब नहीं निकलवाया अभी। जाएंगे नेक्स्ट टाइम कॉल करके। तो हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग के लिए हम क्या क्या लेके आए हैं, शॉपिंग से क्या क्या किस चीज़ की हमने शॉपिंग की है आपको दिखाती हूँ मैं। एक फर्स्ट हमने किया है रिन्यू लाए, तो ये लाए हैं हम। तो हम यहाँ पे करते हैं अब रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग, प्लस उसका स्टैंड है ये, और ये रहा ब्लैक कलर का कपड़ा जो कि हमने लिया था बैकग्राउंड के लिए अपने। अच्छा है ना, अटक गया। तो ये तो हमारा हो गया कपड़ा जो कि हमने बैकग्राउंड के लिए लिया है ब्लैक कलर का, और ये भी हमारी रिंग लाइट। ये है ऐसा जिसमें हम अपना फोन को ऐसे, क्या बोलेंगे इसको, मतलब ये फ़ोन का स्टैंड है, स्टैंड है फ़ोन का। ये है फ़ोन का स्टैंड जो कि रिंग लाइट पे लगेगा यहाँ पे। ये रही हमारी रिंग लाइट। अरे वो वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी ना, वो जो ऐसे करते फिर एकदम से ऐसे पकड़ते और एकदम से करते शू, फिर उनका मेकअप होता है, मतलब जब वो ऐसे करते जब उनका एकदम मतलब वैसा होता है विदाउट मेकअप, और जैसे वो ऐसे करते तो उनके फेस में मेकअप होता है ना। रिंग लाइट आ ही गई आखिरकार। और इसमें ये बटन है, देखो हम इसकी जो लाइट है ना, इससे हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं लाइट को इसकी इसकी। तो ये हो गई हमारी रिंग लाइट। ये रहा फोन स्टैंड। Definitely.
लोगों ने सेट कर लिया है, रोशनी आ रही है मेरे फेस में, तो अभी हम लोगों ने ना रिंग लाइट सेट कर लिया है, अभी इसमें एक तो वीडियो बना के देखते हैं। ये रही इसकी लाइट, ठीक है, ये रही लाइट। अब एक रील बनाते हैं और देखते हैं कैसा हो रहा है। ऐसे तो मिरर भी आ रहे हैं आजकल, टच करते चालू हो जाते हैं, हाँ मैं वहां दिखा देता बस हूँ। अब हमें एक वो पर्दा लगाना है बस। कौन सा सॉन्ग है मुझे सॉन्ग बता देना, एक रील बना के देखते हैं कैसा लगे। मीनू कन्याल साथ तेरा, आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरी रील इससे बना के, और प्लस 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 उस पर भी चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मतलब यूट्यूब पे भी डालूंगी इसकी वीडियोस बनी हुई, कुछ अच्छी अच्छी सी रील्स शॉर्ट वीडियोस। जानवर तो कि विवेक बना रहा है मैगी, देखते हैं हम मैगी मैगी बना रहा है मैगी बना रहा है। यार ये वाली लाइट क्यों यूज कर दी, अदरक यार तूने मार्केट में याद क्यों नहीं दिलाया। तो अब विवेक बनाने जा रहा है अदरक, विवेक बनाने जा रहे हैं मैगी, मेरे मुंह से अदरक निकला क्योंकि वो अदरक बहन बाकसुर बाकसुर तो यहाँ विवेक बना रहा है अपने लिए मैगी अपने स्टाइल में। ये मेरे का सीक्रेट है, ये मैं अपने मेरा थोड़ा सा एक्चुअली गले में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, दैट्स व्हाई थोड़ी हल्दी और अदरक डाल करके बना लो ताकि सूप भी थोड़ा पीने को मिले, अच्छा रहता है, ट्राई करना कभी भी। तो फिलहाल अभी हम लोग काशीपुर में हैं, मैंने सोचा यार छोटा सा छोटा मोटा ब्लॉग अभी डालना स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि यार बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। वो मम्मी के कान पे एक्चुअली चोट लग गई थी, मम्मी सीढ़ी से गिर गई थी, तो इस वजह से हम लोग रातों रात दिल्ली से यहाँ पे आए, हल्द्वानी गए पहले एक्चुअली, हल्द्वानी से फिर अभी मम्मी ठीक हुई हैं थोड़ी बहुत, तो फिर मम्मी को फिर हम लोग यहाँ पे लेके आ गए काशीपुर। तो अभी मैं सोच रहा था कि आप लोग को अपने होम टूर करवाऊँ, तो वो होम टूर करवाऊँगा मैं आपको कल परसों, जब भी मूड होगा तब भी जब भी मूड होगा। When we will get free. When we will get free and जब मूड भी होगा यार विवेक, ऐसी थोड़ी ना होम टूर करवा दूंगी, पता चला मेरा मूड ऐसा है। अब मैं ऐसा बोलूँगा हेलो गाइस ये मेरा घर काशीपुर। आप इस लड़के को जानते होंगे, ये है बाकासुर। तो यही है बाकासुर, ही है तू बाकासुर। बाकासुर को बनाने आती मैगी यार, मेरे फोन से भी अच्छी वीडियो क्लियरिटी आती है वीडियो। हाँ आती है, बाल खींच के रही है मुट्ठी में पकड़े, मेरे में फंस गए मेरे बाल, बहुत अजीब से दिख रहे होंगे ना मैसी से बाल, तो मैसी से जो आपको बाल दिख रहे होंगे मेरे, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे दिख रहे हैं, ये कभी सिल्के भी दिखते हैं। एक्चुअली मैंने आज मेहंदी करी है सर पे, मेहंदी आज मैंने 2 साल बाद सर पे, नहीं 2 या 3 साल बाद आई थिंक मैंने सर पे कुछ किया है, मेहंदी मेहंदी जैसा कुछ मेहंदी किया है। मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी जो कि बनाई है पापा ने, भिंडी की सब्जी, कुछ करती भी आटा मैं भूलता हूँ, भिंडी की सब्जी ये बनाई है पापा ने, और हमारे पास सांभर भी रखा हुआ है दिन में बनाया था जो, और राइस भी है। अब बस मुझे रोटी बनानी है, आटा गूंदेगा विवेक क्योंकि मेरे हाथ में लगी हुई है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, और ये लगी इसी की वजह से इसलिए आटा गूंद रहा है वो। की बोला तू कैमरी, तो इसमें हाथ में लगी हुई है ना मेरे, बस इसी वजह से मैं आटा नहीं गूंद पा रही हूँ, और ये गूंदेगा आटा, मैं बनाऊंगा रोटी। देखो भाई लोगों, ये सारे के सामने इसके बहाने हैं, ठीक है, काम ना करने के बहाने कि मेरे हाथ में लगी है ताकि वो काम ना करने पाए,
बहुत भारी पत्थर रखे ये सारी चीजें बोली अभी अभी क्योंकि सबको पता है मैं काम करने में कभी आलसपना नहीं दिखा। ओह माय गॉड, नहीं दिखा था। अच्छा बहुत अच्छा, कुछ तो बनाना पड़ेगा तेरे लिए, कुछ तो काम। ये कुछ नहीं करता, जिससे घर में बैठा रहता है बस, ये मार्केट जाता है और ये मैगी बनाता है, ये चिकन बनाता है अपने लिए, वो भी सिर्फ बनाता है काटने के लिए। खाता नहीं होगा, ये खाती है उसे, मैं सिर्फ बनाता हूँ। देख इधर दिखा तो मैं खाता हूँ। ये गौर से देखे इसका चेहरा क्या करता है, वो खाती है। सच बता, वो खाती है। मेरे YouTube फैमिली साथ में खाते, मतलब नहीं साथ में नहीं खाते, खाते तो साथ में सिर्फ एक दो दो तीन पीस या चार पीस ज्यादा से ज्यादा उतना खा लेता हूँ। चार पीस लाता हूँ, कितना लेके आता हूँ? 300 ग्राम। 300 ग्राम में चार पीस होंगे कुछ भी। तो यहाँ बन गई हम मैगी। अब हम लोग जाएंगे सोने के लिए, सोने का टाइम हो चुका है। मैंने अपने सिर पे ऑयलिंग भी कर दी है और सब सो गए, मम्मी पापा लोग सो गए, विवेक और मैंने ब्रेकफास्ट देख लिया है। अब हम जाएंगे सोने के लिए, तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल में, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आप नए हो तो चैनल पर। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।